अलविदा जुमे के बाद मुस्लिम समाज जुट गया ईद की तैयारियों में, तय किए नमाज के समय। रमजान का पवित्र माह अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, बस चंद ही रोज बचे हैं रमजान के पूरा होने पर। मस्जिद में तरावियों का दौर अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। रमजान का अंतिम मसला गुनाहों से तौबा का चल रहा है, जिसे देखो वही मगफिरत की दुआओं में मशगूल है। रमजान की 27 तारीख को अधिकांश मस्जिदों में शबे कद्र की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। हम आपको बता दें, कुरान शरीफ इसी माह में मुकम्मल हुआ था। माना जाता है वह सब 21, 23, 25, 27 और 29 में से कोई एक है। इन्हीं तारीखों में अमूमन मस्जिदों में कुरान का दौर पूरा होता है। ईदगाह कमेटी ने ईद की नमाज का समय तय कर दिया है। अब देखना है चांद 29 का होता है या फिर 30 का। 29 का होने पर ईद उल फित्र 5 तारीख को और 30 का होने पर 6 तारीख को मनाई जाएगी, ऐसा कहना है चांद कमेटी का। आइए इस बारे में बात करते हैं जिला शरीयत हिलाल कमेटी के नायब सदर महमूद भाई से और जानते हैं किस वक्त मस्जिद में किस समय नमाज का समय तय किया गया। उम्मते मोहम्मदिया को इनाम के रूप में बख्शा गया रमजानुल मुबारक, जो रहमत और बरकत का महीना है, वो खत्म होने वाला है। जिला शरीयत हिलाल कमेटी द्वारा ईद उल फित्र की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और रीवा के मुख्य ईदगाह भोघर, जो बीहर नदी के तट पर स्थित है, 8:45 पर वहाँ नमाज होगी और शाही बादशाही ईदगाह बिछिया में 8:45 पर नमाज होगी और जामा मस्जिद दारा साहब तकिया, जामा मस्जिद छोटी दरगाह, निजामिया मस्जिद खुटेही, जामा मस्जिद सफीक हमीदिया कॉलोनी ढेकहा, जामा मस्जिद नूरानी रहमत नगर बाण सागर कॉलोनी में 9 नमाज होगी और बड़ी दरगाह में 9:15 पर नमाज का वक्त मुकर्रर किया गया है और मुस्लिम केंद्रीय जेल में जो मुस्लिम बंदी हैं उनको 10 दिन में ईद की नमाज जो है अदा कराई जाएगी। अगर चांद 4 तारीख को नहीं दिखा उस सूरत में आप लोगों ने क्या तय किया? अगर चांद की तस्दीक 4 जून जो कि 29 रमजान होता है उस दिन, अगर उस दिन नहीं हो पाती तो 30 रमजान पूरा कर, मतलब 30वां रोजा रखा जाएगा 5 जून को और उसके बाद 6 जून को ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा।